Good morning, students. Today it is your SST standard 3rd chapter 15 Mumbai. Okay, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रू फॉल्स पढ़े थे इस मुंबई चैप्टर में जो एक्सरसाइज थी एंड जो आज का भाग था उसमें मैं फॉलोविंग है. ओके, सो यहाँ कॉलम ए एंड कॉलम बी, आपको कॉलम ए से कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है. ओके, सो फर्स्ट है यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया. सो यहाँ पे जो गेटवे ऑफ इंडिया है उसमें क्या है, यहाँ पे किंग जो मतलब गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ पर क्यों बनाया गया था और किसने बनवाया है, तो इस वजह से आप यहाँ पर फर्स्ट को थर्ड से मैच करें. ओके, किंग जॉर्ज फाइव. नेक्स्ट यहाँ पे एलिफेंटा केव्स. जो एलिफेंटा केव्स है वो इसलिए फेमस है जो जो उसमें स्टोन कार्विंग हुई है, सो उस वजह से. सो आप फोर्थ को लास्ट से मैच करेंगे. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बॉम्बे हाई. बॉम्बे हाई जो है वो पेट्रोलियम के लिए है, सो आप थर्ड को सेकेंड से मैच करेंगे, पेट्रोलियम से. बॉम्बे हाई पेट्रोलियम. नेक्स्ट है मराठी. जो मराठी है वहां वो लैंग्वेज है, सो आप फर्स्ट फोर्थ को फर्स्ट से मैच करेंगे. ओके, मराठी लैंग्वेज. ओके, नेक्स्ट है. अब इसमें नेक्स्ट है आंसर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम लोग आज जो करेंगे वो टू क्वेश्चन करेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में आगे के जो और भी क्वेश्चन है उसे हम करते हैं. सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. यहाँ आपसे पूछा है, यहाँ ये महाराष्ट्र है, पूरा नहीं है, नीचे लिखा है नेम द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. यहाँ आपको महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो बतानी है. सो यहाँ पे आंसर है मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की कैपिटल है. नेक्स्ट यहाँ पे वेयर इज मुंबई लोकेटेड. यहाँ आपसे पूछा गया है कि जो मुंबई सिटी है वो कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ स्थित है. सो आंसर है मुंबई इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. मुंबई जो है वो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर है. ओके, सो ये फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन थे. इसके आगे के जो क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे. जो आपका होमवर्क है सो आप इसको राइट एंड लेफ्ट इसको आपको करना है और बुक में मैं ऐसा फॉलोविंग कर लेना. इफ बुक नहीं है तो आप कॉपी में करना. ओके, एंड ये क्वेश्चन आंसर सो आप इसको लर्न भी कर लेना. नेक्स्ट क्लास में आगे करना. थैंक यू.